गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अगेन वी आर मीटिंग टुडे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, जो लेसन हम लोग पढ़ा रहे थे कल। उसमें मैंने बताया था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लैंड का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। सबसे पहले चीज़ जो आप लोग ये समझ लें कि यूनिफिकेशन शब्द का मतलब क्या हो रहा है, कि कई हिस्से हैं उसके और वो जोड़े जा रहे हैं। तो उसी तरीका से, सेम तरीका से जैसे इटली में था, वैसे ही इंग्लैंड में भी है। देखिए आप, इंग्लैंड के कई छोटे छोटे हिस्से हैं, जो आप अपने बुक में जो मैप दिया हुआ है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ एक रफ ड्राइंग के माध्यम से, कि इंग्लैंड में देखिए टोटल कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांच हिस्से हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये सभी एक ही देश के नाम है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। आज उस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, इन फ्यूचर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इस बात को समझने में कि इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इंग्लैंड था, जहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, इंग्लिश मैन। स्कॉटलैंड था, वहाँ के लोगों को स्कॉटिश कहा जाता था। वेल्स था, वेल्स भी एक जगह है, किंगडम था, वेल्स को के लोगों को वेलिस कहा जाता था। और आयरलैंड, आयरलैंड के लोगों को आयरिश पीपल कहा जाता था। तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले तो एक इंग्लैंड था, इंग्लैंड में जो लोग रहते थे वो ईसाई थे, पर आप चैप्टर अभी स्टार्टिंग में ही समझ लें कि ईसाइयों में दो पंथ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिगंबरा और स्वतंबरा हैं जैन धर्म में, उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लैंड में जो लोग रहते थे वो प्रोटेस्टेंट लोग थे। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में अंतर क्या होता है, तो कैथोलिक का मतलब ये होता है कि जो पुराने पद्धति पे चल रहे हैं, पुरानी ईसाइयत पे चल रहे हैं, उसे रोमन कैथलिक कहा जाता था, उन लोगों को रोमन कैथलिक कहा जाता था। और एक प्रोटेस्टेंट, उस क्रिश्चियनिटी में से ही एक धर्म निकल के आया प्रोटेस्टेंट, जिन्होंने बाइबल्स में कुछ सुधारों को एक्सेप्ट किया, अपने जो धार्मिक किताब उनकी थी बाइबल, उसमें उन्होंने कुछ सुधारों को एक्सेप्ट किया और वो लोग प्रोटेस्टेंट कहें। तो इंग्लैंड में जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट लोग थे। और आप लोग ये समझ लें कि इंग्लैंड के जो लोग थे प्रोटेस्टेंट, वो चाहते थे कि और बाकी जगहों पे भी उनका वर्चस्व हो जाए, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा हो गया था, वो बिजनेस क्लास हो गए थे। तो वो लोग चाहते थे कि स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में ले लें, और उन्होंने किया भी, स्कॉटलैंड को उन्होंने कब्जे में ले लिया, उसके बाद वेल्स को भी। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला के, देखिए मैंने लिख दिया स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को जो मिलाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट ब्रिटेन। अब जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ये तीन तो हो गए, अब यहाँ जो आयरलैंड है, आयरलैंड एक कंट्री है, और वहाँ पे भी दो सेक्ट्स रहते हैं क्रिश्चियनिटी के, और वो लोग हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, जो ऊपरी हिस्सा है, वो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग रहते थे वो लोग ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट थे। तो वो लोग इंग्लैंड के साथ चले गए, ठीक है। जब वो इंग्लैंड के साथ चले गए तब उसको क्या कहा जाएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, जब ये चारों मिल गए तो उसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और जब पूरे आयरलैंड को भी अगर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं इंग्लैंड के मैप में, तो उसको कहा जाएगा ब्रिटिश आइलैंड्स, ये आइलैंड की तरह है ना, तो इसको ब्रिटिश आइसल्स कहा जाता है। अब हम लोग, अब ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और आपके बुक में जो मैप दिया है अगर उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर सही बात बोल रहे हैं, और आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एकीकरण जो था, हुआ था, वो अचानक से नहीं हो गया था, ठीक है।
इंग्लैंड का जो एकीकरण हुआ था वो अचानक से इट वॉज उसमें लिखा हुआ है इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस नॉट बाई सडन रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में कोई ऐसी क्रांति नहीं आ गई थी तुरंत जिसकी वजह से वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया और वहाँ पे राजशाही खत्म हो गया और प्रजातांत्रिक शासन आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आस्ते आस्ते जो वहाँ का मिडिल क्लास था वो पैसा धन अर्जित करता गया और उसके उन लोगों के दिमाग में ये भी था कि पुरानी जो पद्धति है राजशाही है उसको खत्म किया जाए, तो उन्होंने राजा से आग्रह किया था और राजा भी इस बात को समझ रहे थे इंग्लैंड के कि अगर मैं खुद से अपने पावर को डाइल्यूट नहीं करता हूँ ख़त्म नहीं करता हूँ तो हम उससे छीन लिया जाएगा, तो ये अच्छा नहीं रहेगा, उससे अच्छा कि मैं खुद ही छोड़ दूँ। ठीक है, अब देखिए इंग्लैंड किसी भी एक इंग्लैंड जो था उसमें जो लोग थे वो अलग अलग लोग रहते थे, उनका अलग एथनिक आइडेंटिटीज था, उनको आप ट्राइबल ग्रुप्स नहीं बोल सकते हैं। आप देखिए फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए, इंडिया है, इंडिया में यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, इन सब के पास क्या है अपना अलग अलग लैंग्वेज है, अपना अलग अलग तरीका का परिधान है, फिर भी हम सब क्या है एक है, हम लोग एक देश एक झंडे के नीचे हैं। तो ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भारत सरकार के ऑर्डर्स चलते हैं। तो इंग्लैंड जो था वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते थे जिनका एथनिक आइडेंटिटीज था, वो लोग अलग अलग उनका परिधान था, अलग उनका खान पान था, रिलीजियस एक्टिविटीज में भी अंतर था। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड जिसको कहा जाएगा इंग्लिश पीपल, उन लोगों ने आस्ते आस्ते पूरे स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सब जगहों पे अपना प्रभाव डाला। अब आप लोग समझने की कोशिश करें, मैंने ये बता दिया कि इंग्लैंड किसी एक जाति या एक धर्म का एक ट्राइब का आदमी का देश नहीं था, उसमें कई एथनिक ग्रुप्स रहते थे। आप देखिए ये मैंने बता ही दिया कि इंग्लिश पार्लियामेंट सीट पावर 1688 में इंग्लैंड में जो मोनार्की सिप चल रहा था उन लोगों ने खुद ही अपने पार्टी पावर को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया उन्होंने, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अपना लिया। अगर राजा जो थे इंग्लैंड के वो इस बात को समझ रहे थे अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो वैसे भी लोग रिवोल्ट करेंगे और मुझसे छीन लिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही अपने आप को खत्म कर दिया। इससे हुआ क्या, उनकी इज्जत बरकरार रह गई, उन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिर्फ रहेगा, राजा रानी रहेंगे लेकिन पावर्स पार्लियामेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट्स हैं। ठीक है, अब दो सेक्ट समझने के लिए मैंने कहा जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतंबर। ठीक है, मुस्लिम समुदाय में भी आप देख सकते हैं वो सिया और सुन्नी बोलते हैं, या हिंदूज में भी है अलग अलग सेक्ट्स हैं। तो आप वहाँ पे जो कैथोलिक जो लोग थे वो लोग किसको, पुराने चर्च को, पुराने बाइबल को मानते थे। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट लोग जिस बाइबल में सुधार हो चुका था उस सुधार वाले नए प्रारूप, बाइबल के नए प्रारूप को वो लोग मानते थे। अब देखिए एक एक्ट साइन होता है कब, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड स्कॉटलैंड मेड यूनाइटेड किंगडम। ये तो मैंने पहले ही आपको मैप में समझाया कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो किसके किसके बीच में एक्ट साइन हुआ था, एक्ट का मतलब समझ रहे कानून। तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत वो लोग यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गए थे स्कॉटलैंड। ठीक है, अब देखिए केस ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड क्या था, एक देश था, उस देश में ज्यादातर लोग क्या थे, कैथलिक थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे एक हिस्से में और एक हिस्से में कैथलिक्स थे। तो जो इंग्लैंड था वहाँ पे तो ज़्यादा लोग प्रोटेस्टेंट थे, तो और वो लोग प्रोटेस्टेंट को ही बढ़ावा देना चाहते थे, तो वो करते क्या थे कि उनको पैसा देना, फंडिंग करना उनका, और तमाम तरीके से उनकी मदद करना ताकि जो कैथलिक लोग हैं उनको दबाया जा सके। ठीक है, अब देखिए ब्रिटेन सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट, ये मैंने कहा ही कि जो इंग्लैंड की सरकार थी प्रोटेस्टेंट वहाँ पे ज़्यादा थे, ईसाई वहाँ समृद्ध थे, पैसे वाले लोग थे, तो वो लोग अपने पैसे को प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहे थे।
फेल्ड रिवोल्ट बाय वुल्फटोन आयरिशमैन। आयरलैंड एक अलग देश है, ठीक है। आज के डेट में भी फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो इंग्लैंड की एक अलग क्रिकेट टीम आती है वर्ल्ड कप में खेलने के लिए और आयरलैंड की अलग टीम आती है। आप सभी लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगा। तो आयरलैंड जो था वो एक देश था जिसके नॉर्दर्न हिस्से में प्रोटेस्टेंट रहते थे और साउदर्न हिस्से में मान के चलिए कि कैथलिक्स रहते थे। तो कैथलिक्स हमेशा विरोध करते रहते थे, वो लोग प्रोटेस्टेंट्स के साथ जाना नहीं चाहते थे यहाँ पे। अब देखिए जो वुल्फटन थे आयरिशमैन वो आयरलैंड के निवासी थे और वो क्या थे, कैथलिक नहीं थे, कैथलिक थे। वुल्फटन कैथलिक था और उन्होंने इंग्लैंड जो दबा रहा था उनको, उनके देशवासियों को, तो उन्होंने अपने आयरिश लोगों के साथ मिलकर के एक विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? ब्रिटेन, इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन उस विद्रोह में वो लोग हार गए थे। वो विद्रोह हुआ कब था? 1798। लेकिन उस विद्रोह में क्या हुआ था, इंग्लैंड ने इनको हरा दिया था। किसको? वुल्फटन। ये आपके एक मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वुल्फटन। अब आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन, देखिए आयरलैंड जो था, आयरलैंड में दो हिस्सा था। अब दो हिस्सा में क्या था, एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड था, तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे वहां, तो वो लोग किसके साथ मिल गए, जाके इंग्लैंड के साथ मिल गए। तो वो लोग जब मिल गए हैं तो वहां पे क्या बन गया, नॉर्दर्न यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। वहां पे क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम वो बन गया। फिर भी अभी भी जो साउदर्न आयरलैंड था वहां के लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, तो वो लोग अलग थे और उसको क्या कहा जाता है आज के डेट में भी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है। अब देखिए फॉर मेकिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, अब आप ध्यान दे बात को कि इंग्लैंड था उसमें स्कॉटलैंड को जोड़ा गया, उसमें वेल्स को जोड़ा गया, उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों को जोड़ा गया। तो अब इन लोगों के बीच में एक भावना होनी चाहिए कि हम लोग एक देश के लोग हैं। तो इसके लिए क्या क्या किया इंग्लैंड ने, क्या किया तो हम लोग देखेंगे, नेशनल फ्लैग, उन्होंने अपना एक नेशनल फ्लैग डिक्लेयर किया, ठीक है, नेशनल फ्लैग डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना एक नेशनल एंथम भी बनाया और इंग्लिश लैंग्वेज उन पे थोपा गया। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड तो वहाँ के लोग स्कॉटिश भाषा बोलते थे, आयरलैंड वहाँ के लोग आयरिश भाषा बोलते थे, लेकिन इन सभी लोगों पे इंग्लिश भाषा बोलने का दबाव दिया गया। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आस्ते आस्ते लागू किया गया और सब इंग्लिश लैंग्वेज पूरे इंग्लैंड में लागू कर दिया गया, ग्रेट ब्रिटेन में, और नेशनल एंथम उनका एक कर दिया गया, उनका झंडा भी एक बना दिया गया। इस प्रकार से इंग्लैंड यूनिफाइड हो गया, इंग्लैंड का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। थैंक यू, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो इज रिलेटेड टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, आप लोग घबरा नहीं, चैप्टर बड़ा है हमारा, इस वजह से हम लोग हर टॉपिक को डील करते जा रहे हैं। अगर एक भी टॉपिक छूट गया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू।